गाइस दिस इज शरद सक्सेना। आजा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आप सभी ने 80 और 90 के दशक की फिल्मों में हीरो से पिटते हुए एक विलन को तो जरूर देखा होगा, जो पहले हीरो को मारता है और फिर हीरो उसकी जमकर धुलाई करता है। स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये विलन कोई और नहीं बल्कि जाने माने एक्टर शरद सक्सेना है। इनकी शक्ल हर किसी को याद होगी, लेकिन इनका नाम शायद काफी लोगों को नहीं पता हो। अब तक तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके शरद सक्सेना का जन्म विंध्य के सतना जिले में हुआ, लेकिन इनकी स्कूलिंग भोपाल से हुई। 10वीं के बाद शरद ने आगे की पढ़ाई जबलपुर से की। जबलपुर से 25 साल की उम्र में हीरो बनने का ख्वाब लिए मुंबई पहुंच गए। शरद सक्सेना कईयों के पसंदीदा एक्टर भी होंगे, जिन्होंने मिस्टर इंडिया, बजरंगी भाईजान जैसी ढेरों सुपरहिट फिल्मों में अपना अलग अंदाज दिखाया है। इंटरनेट पर 74 साल की उम्र में बिंदास फिटनेस का नमूना दे रहे शरद सक्सेना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दशकों से काम कर रहे हैं। उम्र के 7वें दशक में ऐसी फिजिक देख लोग दंग रह जाते हैं। शरद जब खुद को शीशे में देखते थे तो उन्हें अपने आप में हीरो मटेरियल दिखता था। दुनिया के हर एक्टर की तरह शरद भी हीरो बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का फैसला लिया। हर किसी को अपने करियर की शुरुआत के लिए गार्जियन से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर चाहे वो फैजल खान हो या शरद सक्सेना। ये बात शरद को पता थी कि इसके लिए उन्हें डांट जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिताजी से फिल्मी दुनिया में जाने की परमिशन मांगी। शरद के पिता ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि चुपचाप इंजीनियरिंग करो। अब बेचारे शरद क्या करते, उन्होंने जैसे तैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और डिग्री भी पूरी कर ली। लेकिन उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा न सिर्फ अब तक जिंदा था बल्कि कुलबुलाकर और बड़ा हो गया। इस तरह शरद एक बार फिर अपने पिता के पास पहुंचे। जैसे तैसे इस बार पिता ने डांट तो नहीं लगाई, शरद ने कहा अब डिग्री तो हो ही गई है, वहां अगर कुछ नहीं भी हुआ तो इंजीनियरिंग की नौकरी ही मिल जाएगी। शरद की ये बात सुन पिता ने उन्हें परमिशन दे दी। शरद को जैसे ही पिता की हरी झंडी मिली, उन्होंने फौरन अपना बोरिया बिस्तर समेत बंबई की गाड़ी में बैठ गए। शरद के दिमाग में चल रहा था अब तो सीधा हीरो बनकर लौटना है, लेकिन बाबू बंबई नगरिया की कठिन डगरिया ने तो बड़े बड़ों के ख्वाबों को सेटल कर दिया है। मुंबई की कड़वी हकीकत से शरद बहुत जल्द रूबरू हुए। कई दिन इधर उधर धक्के खाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। जब कई महीने बीत गए तो पिता ने चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, ये वक्त बर्बाद करना छोड़ो और कोई नौकरी ढूंढो। शरद ने कहीं बात न बनती देख नौकरी कर ली, लेकिन शरद किसी न किसी रूप में फिल्म सेट पर रहना चाहते थे, इसलिए साथ ही फोटोग्राफर बनने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक कैमरा भी खरीद लिया। दिन में नौकरी करते और रात में फोटोग्राफी सीखते। ऐसा करते हुए शरद एक महीने में ही नौकरी से तंग आ गए और नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान फोटोग्राफी में ही लगाने लगे। एक दिन धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र की फोटो खींच रहे थे, तब वहां शरद भी चंदन के साथ में थे, दोस्त की मदद कर रहे थे। रिफ्लेक्टर पकड़कर काम खत्म हुआ तो वीरेंद्र ने कहा कि आओ लड़कों खाना खिलाते हैं तुम दोनों को। स्ट्रगल के दौर में होटल का खाना कौन मना करता, फौरन रेस्टोरेंट की ओर बढ़ लिए। लंच करते वक्त वीरेंद्र ने शरद की तरफ देखते हुए पूछा, तुम भी क्या एक्टर बनना चाहते हो? शरद ने हाँ में सिर हिलाया तो वीरेंद्र ने उनसे उनकी फोटो मांगी। शरद भागकर अपने कमरे में गए और फोटो लाकर वीरेंद्र को दे दी। वीरेंद्र ने उनकी फोटोज रख ली और अगले दिन अपने प्रोड्यूसर को दिखाई। प्रोड्यूसर को एक किरदार के लिए शरद फिट लगे और इस तरह बेनाम फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई। आज के दौर में फिल्म सेट पर एक्शन सीन्स फिल्माने के लिए सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है, कई सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए काम होता है, लेकिन उस समय फिल्म सेट पर ऐसा नहीं होता था। एक्शन करते हुए शरद को 8 बार से ज्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ा, कभी उनका हाथ टूटा तो कभी पांव, कभी तो मांसपेशियां फटकर बाहर आ जाती थी। शरद सलीम खान को पहले से जानते थे, लिहाजा अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी। इसी कड़ी में एक दिन जब शरद सलीम साहब के यहाँ गए तो वहां जावेद अख्तर भी बैठे काला पत्थर लिख रहे थे। शरद को देखते हुए सलीम साहब ने जावेद से कहा कि शरद को धन्ना का रोल दे दे। जावेद साहब को भी शरद इस रोल के लिए सही लगे।
सलीम साहब ने शरद से कहा कि वो यश चोपड़ा के पास जाए और उनसे कहे कि मुझे सलीम जावेद ने भेजा है। शरद सलीम साहब के घर से सीधा यश चोपड़ा के ऑफिस गए और सलीम खान का रेफरेंस दिया। तब यश ने शरद को फाइनल कर दिया। इस तरह शरद के शुरुआती दौर में सलीम जावेद ने उन्हें बहुत सी फिल्मों में रोल दिलवाए। शरद सक्सेना लेट 60s में बंबई गए थे। इस दौर में हीरो का एक अलग पैमाना था जिसमें शरद कहीं से भी फिट नहीं बैठते थे। आजकल तो सिक्स पैक बॉडी ट्रेंड में है, लेकिन उस वक्त कसरती शरीर वाले व्यक्ति को लेबर क्लास समझा जाता था, क्योंकि शरद के पिता एथलीट थे, जिसके चलते शरद को बचपन से ही कसरत में रुचि थी। लिहाजा जब शरद मुंबई पहुंचे तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, लेकिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ऐसे डील डॉल वाले व्यक्ति को देख पहले ही दिमाग में गढ़ लेते थे कि ऐसा व्यक्ति अभिनय या कला से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसे लोग तो विलन के चमचे गुंडे के लिए ही ठीक है। लिहाजा शरद को ऐसे ही रोल मिले और वो एक लंबे अरसे तक गुंडे के नौकर का ही किरदार निभाते रहे। तकरीबन 30 साल तक हीरो की मार खाने के बाद शरद सक्सेना जिंदगी के दूसरे पड़ाव पर पहुंचे। तब उन्हें सुनील शेट्टी के साथ फिल्म आगाज के लिए शरद को गंजा होना था। फिल्म पूरी हुई और रिलीज हुई और फिर फ्लॉप भी हो गई। इधर शरद के बाल धीरे धीरे उगने लगे, लेकिन इस बार बाल सफेद उगे। जब बढ़ गए तो फिल्मों में गुंडे की जगह हीरो हीरोइन के बाप के रोल मिलने लगे, जिसकी शुरुआत हुई तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म में सलमान खान के बाप बनने से। इस फिल्म में शरद का काम देख डायरेक्टर शाद अली खान ने अपनी फिल्म साथिया में शरद को रानी मुखर्जी का बाप बना दिया। इसमें उनका रोल छोटा था, लेकिन क्रिटिक्स ने शरद के अभिनय की खूब सराहना की। साथिया के बाद से शरद की गिनती फाइटर की बजाय एक्टर्स में होने लगी। विंध्य में जन्मे शरद सक्सेना की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।